First Blood. First Blood. First Blood. तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। एंड आज के इस वीडियो में गाइज हम बात करने वाले हैं जिगल मूवमेंट, जो कि गाइज बड़े बड़े मोबाइल प्लेयर लाइक ब्राइट स्टार, जैक फ्रीपर, बहुत ही बड़े बड़े प्लेयर जो कि इस मूवमेंट को यूज़ करके गाइज बहुत ही अच्छे खासे हेडशॉट लगाते हैं। एंड वो एक प्रो प्लेयर आज उसी जिगल मूवमेंट की वजह से जाने जाते हैं। तो क्या है गाइज जिगल मूवमेंट, कैसे इसको यूज़ करना है, आज के इस वीडियो में बात करेंगे। एंड कसम से गाइज, लिटरली अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो लिटरली गाइज सच में बता रहा हूँ गाइज, डेफिनेटली आप एक अच्छे प्लेयर बन जाओगे, आपका मूवमेंट अच्छा हो जाएगा एंड हेडशॉट भी बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो बात करते हैं जिगल मूवमेंट। तो सबसे पहले बात करते हैं गाइस जिगल मूवमेंट क्या है, ठीक। सो गाइस यहाँ पर देख सकते हो आपको राइट में जो दिख रहा है, यहाँ पर खाली पहले जहाँ पर मैंने रेड वाला किया है, यहाँ पर ही गाइस आप जिगल मूवमेंट कर सकते हो। सो जिगल मूवमेंट करने के लिए क्या है गाइस, देखो अगर आप राइट साइड में जो आपको दिख रहे हैं लेफ्ट साइड में वो सारे के सारे, यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हो तो आपका जॉयस्टिक पर ही क्लिक होगा, लेकिन यहाँ पर जो मैंने आपको दिखाया जो खाली पहले से रेड कलर की, यहाँ पर ही गाइस आप अपना मूवमेंट के हिसाब से कर सकते हो। लाइक कैरेक्टर को इधर उधर घुमा सकते हो, इसको ही बोलते हैं मूवमेंट। एंड यहाँ पर भी गाइस आप ड्रैग करते हो, यहीं पर आपके हेडशॉट्स लगते हैं। तो अब बात करते हैं गाइस क्या है ये जिगल मूवमेंट, मतलब इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो यही होता है गाइस, जो रेड वाला दिखाया है इसी साइड से आप मतलब सब कुछ अपने कैरेक्टर का स्कूल मतलब कैसे भी करके आप कैरेक्टर को मूव कर सकते हो, ठीक है। तो अब बात करते हैं जिगल मूवमेंट की बेनिफिट्स के बारे में, क्या बेनिफिट्स है, पहले उससे फीचर्स जानते हैं उसके बाद बेनिफिट्स के बारे में। सो गाइस यहाँ पर देख सकते हो ये है आपका जिगल मूवमेंट। यहाँ पर गाइस रेड जोन की बात करें, यहाँ पर तीन जोन में डिवाइड हुआ है, जैसा कि मैंने एक वीडियो में बताया गया था कि नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ मूवमेंट स्पीड के बारे में जिगल मूवमेंट। यहाँ पर गाइस तीन जोन होते हैं, तीन जोन, ठीक है। उसमें से एक है रेड जोन, एक है येलो जोन, एक है ग्रीन जोन। सो रेड जोन में गाइस सबसे ज़्यादा सेंसिटिविटी होती है आपकी, सबसे ज़्यादा, यानी कि रेड जोन में अगर आप थोड़ा बहुत भी ड्रैग करते हो या फिर राइट लेफ्ट करते हो तो आपका बहुत ज़्यादा कैरेक्टर मतलब कैरेक्टर घूमता है, मूव होता है। एंड बात करें गाइस येलो जोन की, तो येलो जोन में रेड जोन से थोड़ा ज़्यादा अगर आप मूव कर दे तो रेड जोन जितना ही होगा, बाकी येलो जोन में थोड़ा कम होता है आपका कैरेक्टर का मूवमेंट, जैसे कि आप राइट लेफ्ट देखते हो, ठीक है। तो एंड बात करें ग्रीन जोन की, तो ग्रीन जोन से अगर आप ड्रैग करते हो लेफ्ट राइट कहीं पर भी तो आपका मूवमेंट बहुत कम होगा। देखो यहाँ पर देखो गाइस, मैं पीछे घूमकर मार रहा हूँ ग्लू बॉल, तो ये गाइस रेड जोन से मार रहा हूँ, जिससे मेरे को अपना थंब की बहुत ही कम मतलब स्क्रॉल करना पड़ रहा है, लेकिन मेरा 180 डिग्री पूरा घूमते जा रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ एकदम प्रॉपरली, ठीक है गाइस। सो गाइस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा ताकि आपको एकदम समझ में आ जाए, बाकी थोड़ा बहुत भी अगर सूख गए तो फिर इसका वीडियो देखने का कोई मोटिव नहीं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए गाइस। तो अब यहाँ पर देखते हैं गाइस, यहाँ पर मैं इस पर लेकर जाता हूँ अपना एम, जो कि सामने एक डेड बॉडी दिख रहा है, पता नहीं क्या है। तो यहाँ पर एम लेकर जाए, अब गाइस येलो हम करते हैं, मतलब जो येलो जोन है हमारा उससे, देखो गाइस ये है ऑरेंज जोन, सॉरी गाइस क्या बोलते यार इसको बोलते हैं गाइस, ये हम कर रहे हैं गाइस ग्रीन जोन से। तो ग्रीन जोन से गाइस देखो मैंने अपना येलो, देखो मेरा कितना लाइन बड़ी हुई, तभी जाकर मेरा वन राउंड यानी कि 360 डिग्री घूमा, समझ रहे हो गाइस। 360 डिग्री घूमने में गाइस कितना मतलब एकदम मुझे स्क्रीन रोटेट करना पड़ा। अब गाइस बात करते हैं येलो जोन से हम करते हैं, तो येलो जोन से जैसे गाइस हम करते हैं तो बहुत कम स्क्रीन मतलब बहुत कम रोटेट करेंगे स्क्रीन, तब हमारा ये हो जाएगा। देखो गाइस, देखो ये हमारा मतलब जितना अगर आप फास्ट लेकर जाओगे उतना ही आपको स्क्रीन को कम रोटेट करना पड़ेगा, ये होता है गाइस येलो जोन, ठीक है। अब बात करते हैं गाइस रेड जोन, मतलब जो रेड जोन होता है गाइस वहाँ पर बहुत ही कम मतलब बहुत ही कम स्क्रॉल करोगे गाइस, तब आपका एकदम गाइस एकदम मतलब बोले तो पूरा जितना जल्दी करेक्टर घूमेगा उतना पूछो मत। देखो देखो गाइस ऐसे, तो ये होते हैं गाइस तीन जोन। ये गाइस यहाँ पर थोड़ा आपको समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब आप गेम में जाकर इसको इम्प्लीमेंट करोगे ट्रेनिंग में या फिर कहीं पर भी, पहले आप रेड जोन में ट्राई करना और फिर मतलब ग्रीन जोन में एंड फिर येलो जोन में, आप देखना कि गाइस किस में आपको मतलब एकदम कम अपना मूवमेंट करना पड़ा है, स्क्रीन को अपने थंब को किस में एकदम कम मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। एंड मूवमेंट तो गाइस ज़्यादा हो रहा है, यानी कि 360 घूम भी रहा है, लेकिन आपका हैंड जो थंब है वो बहुत ही कम स्क्रॉल हो रहा है, ठीक है। ये होता है गाइस जिगल मूवमेंट। एंड जो प्रो प्लेयर होते हैं वो कैसे मतलब इसको यूज़ करते हैं वो भी बताता हूँ। तो गाइस जो बंदे 180 डिग्री शॉट मारते हैं, शॉट्स वन टैप मारते हैं, वो गाइस इसी का यूज़ करते हैं, यानी कि जो मतलब मैं आपको एक जगह देता हूँ, जो मतलब या रेड जोन है, रेड जोन से ही गाइस स्क्रॉल करते हैं। देखो मैं यहाँ पर गाइस मेरा रेड जोन पूरा खाली है,
यानी कि मैं अपना मूवमेंट यहीं से करता हूँ, यानी कि जंप करके भी यहीं से मैं अपना मूवमेंट करता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जिगल मूवमेंट एंड यहाँ पर मेरा सेंसिटिविटी पूरा 100 है। सो आई होप कि आज का वीडियो पसंद आया होगा, एंड जब मैं मूवमेंट करता हूँ तो गाइस यहाँ पर जिगल मूवमेंट के थ्रू ही करता हूँ, ठीक है। तो चलिए अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, एंड वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू, धन्यवाद, एंड सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को। तो बाय बाय, लव यू ऑल गाइस। गाइस आपने राइट स्टार को देखा होगा कि जब भी वो एनिमी को एकदम वन शॉट से किल करता है तो वो तुरंत लेफ्ट राइट भागता है और जंप करता है, गन हाथ में लेता है, और मतलब ऐसा लगता है कि ये भाई इतना फास्ट कैसे। तो वो गाइस इसी वजह से होता है कि यानी जो रेड जोन है, रेड जोन से वो थोड़ा बहुत अपना थंब से बहुत कम कम स्क्रॉल करता है, इससे उसका बहुत ही जल्दी स्क्रीन मतलब रोटेट होता है और वो लगता है वो भाई इतना जल्दी कैसे कर रहा है, ठीक है। तो ये होता है गाइस मतलब जो मैंने समझा दिया आपको। तो थैंक यू गाइस, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, लव यू ऑल।